हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सिमरन। आज मैं आपको नई शिक्षा नीति के बारे में बताऊंगी। नई शिक्षा नीति 2020। करीब 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जाने 20 खास बातें। स्कूलों में 10+2 खत्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। 5 साल 3 से 8 साल के बच्चों के लिए 3 साल, 8 से 11 साल के बच्चों के लिए 3 साल, 11 से 14 साल के बच्चों के लिए सबसे आखिर में 4 साल 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। छठी कक्षा से प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा। छठी कक्षा से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल जाएगी। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। स्कूलों में ऐसा होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। 1 स्वयं छात्र करेगा, 2 सहपाठी और 3 उसका शिक्षक। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। नई नीति में एमफिल खत्म होगा। यूजीसी, NCTE, AICTE बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे व्यावसायिक शिक्षा भी नए शिक्षा नीति के दायरे में होगा। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम है। नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होगा। MHRD का नाम बदला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। त्रिभाषा फॉर्मूला। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश,
पुर्तगाली रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खुलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार, इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे, उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करो।